हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्ष ठाकुर। आज हम समझेंगे सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि वो ही लॉज बनाएंगे, वो ही रूल करेंगे। लेकिन फेडरल में पावर होती है वो सेंट्रल स्टेट में डिवाइड होती है, और ये इंडिया में फॉलो किया जाता है और यूएसए में भी। यूनिटरी गवर्नमेंट हम तभी फॉलो करते हैं जब इमरजेंसी लगती है। इंडिया में किसी भी प्रकार के इमरजेंसी लगती है उसी टाइम यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। इसमें सेंट्रल को ज्यादा पावर दी जाती है और स्टेट को कम। फेडरल गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल और स्टेट में। और सेंट्रल में तीन उसमें डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 245-255 में, और एडमिनिस्ट्रेटिव को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 256-263 में। फाइनेंशियल को डिफाइन किया गया 264-293 में। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में जो सेंट्रल और स्टेट होती है उसको दो जुरिसडिक्शन में हम डिफाइन करते हैं, एक टेरिटोरियल और एक सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 240 में। और लेजिस्लेटिव को डिफाइन किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है सिक्स शेड्यूल में। अब हम समझेंगे सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन के बारे में। इसमें सेंट्रल स्टेट को डिफाइन किया गया है सेवन शेड्यूल में, और सेंट्रल स्टेट को जो डिफाइन किया गया है वो सेवन शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। इनको तीन लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। किसी भी तरीके का अगर कॉन्फ्लिक्ट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में जब होता है, उस दौरान यूनियन के पास पावर होती है कि वो रिजॉल्व करे इस प्रॉब्लम को। कॉन्करेंट और स्टेट के बीच में कोई फाइट होती है, किसी भी तरीके की नोकझोंक होती है, तो उसमें कॉन्करेंट के पास पावर है कि वो इसे रिजॉल्व करे। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।